अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये सब क्या है? आपके कहने का क्या मतलब है कि आपका बेटा बैल बुद्धि है, इसे कोई भी बहका सकता है? हाँ, यही तो गलती हो गई है। अगर समय रहते मैंने उस पे गौर किया होता ना, तो तुम्हारे पीछे इस तरह से पागल नहीं होता। बस तो मैं गई हूँ जो इस घर में शादी करके आई, जो आप जैसी खड़ूस सास मिली, जिसकी दिमाग की हालत इतनी खराब है, जिसको कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, मेरी दिमाग की हालत खराब है? मेरी दिमाग की हालत खराब है? पागल हूँ ना इसके लिए ना? पागल? मेरी दिमाग की हालत खराब है? पागल लग रही हो मैं तुझे? आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, पागल है आप बिल्कुल। संदीप पाएंगे सब बताऊंगी उनको, हट गए, पागल है आप। सास बहू का रिश्ता यूं तो माँ बेटी जैसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में असल में ये रिश्ते बेहद पेचीदा और टकराव भरे होते हैं। और इन रिश्तों में सबसे ज्यादा वो इंसान पिसता है जो इन दोनों में से किसी एक का बेटा है और दूसरे का पति। आज हम देखेंगे सास बहू के ऐसे ही पेचीदा और टकराव भरे रिश्तों में फंसता उस इंसान की कहानी, जिसका अंत उस मुकाम तक पहुंच गया जहां सब कुछ तबाह हो गया। बेबी, अगर हम आंचल इस तरह रखेंगे ना, तो तुम ज्यादा सेक्सी लगोगी। नहीं नहीं, सेक्सी नहीं लगना है, संस्कारी लगना है, ताकि मैं संदीप की मॉम को इंप्रेस कर पाऊं। और वैसे भी मैंने ये साड़ी संदीप के कहने पर ही पहनी। ओ, तो ऐसे इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैंने साफ साफ बोल दिया संदीप को। मैं तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ, लड़की भले ही तुमने पसंद की हो, मगर उसे अपने घर के उसूलों की तरह ही चलना होगा। मम्मी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप थोड़ा वो पुराने जमाने वाले तरीके से रिएक्ट मत करना। देख रही हो ना मम्मी, अभी से ज्ञान देने लगी है इसे कि कैसे रिएक्ट करना है। सुन, इससे तो अच्छा होता कि तू हमें साथ लेकर ही नहीं आता। संगीता बेटी, यही माहौल है आजकल, शादी के पहले ही लड़के अपने बीवी के चमचे बन जाते हैं। चमचा तो वो है अपनी मम्मी का, लेकिन वो तुमसे प्यार तो बहुत करता है ना? हाँ, बहुत प्यार करता है, तभी तो उससे शादी के लिए मैं हाँ कर रही हूँ। सी, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रही हो, अब देखते हैं तुम्हारी सासू माँ तुमसे इंप्रेस होती है कि नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे नहीं नहीं, प्यार नहीं, तुम गले मिलो बेटा। ये मेरी वाइफ है श्वेता। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। आइए ना प्लीज, प्लीज आइए। ये प्रिया की माँ है? सौतेली माँ है। जीते रहो बेटा। अरे, इसके पैर नहीं छुए? ये संदीप की बड़ी बहन है। वो बहन जी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपने पैरों को छूने देते हैं, तो इसीलिए प्रिया को आदत नहीं है इन सब चीजों की। लेकिन संस्कार तो यही कहते हैं ना कि आपके सामने वाला उम्र में और रिश्ते में आपसे बड़ा हो तो उसके पैर छूने चाहिए, जैसे कि मेरे बेटे ने किया। हाँ, ये बात अलग है कि आपने उसे रोक दिया। बस बस,
तुम ठीक हो ना? वो क्या है ना, मेरी बेटी को साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो शायद पैर फंस गया। प्रिया बेटा इधर बैठो, आ जाओ। रामू चिड़ लो। तो बताइए आपको हमारी बेटी कैसी लगी? मेरे बेटे को आपकी लड़की पसंद है तो शादी के लिए उतना ही काफी है। तो इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए, प्लीज मिठाई लीजिए ना। अरे हाँ बिल्कुल लूंगी। वो क्या है ना, आजकल शादियां बच्चे खुद ही तय करते हैं, तो बाकी घर वाले तो मिठाई खाने के लिए ही इकट्ठे होते हैं ना। आप लीजिए मिठाई, मैंने मजाक किया। अब वो आंटी की थोड़ी मजाक करने की आदत है। इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराओ और गृह प्रवेश करो। अरे जरा संभाल के, इतनी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोटा है तुम्हारे सास के उसूल नहीं, जो ऐसे उड़ा रही हो। छोड़िए ना ये सब, तुम दोनों चलो आओ अंदर आओ। देखा कैसे घुरा तेरे बहू ने? पुष्पा इसे थोड़ा टाइट करके रखना, वरना कहीं तुझे भी ये लोटे जैसा ना उड़ा दे। ऐसे कभी नहीं होगा। मतलब सच में वो लोटे वाला तो मजेदार था। क्या लोटा उड़ाया तुमने? मुझे क्या पता था कि रस्म कैसे करते हैं। मैंने सोचा कि लोटे को जोर से ठोकर मारूंगी तो सबको लगेगा कि मैं रस्म दिल से निभा रही हूँ। तुमने देखा वो सरिता आंटी कैसे ताने मार रही थी? अरे वो मम्मी की दोस्त है, उनको क्या बोला जा सकता है? हाँ ठीक है, हम लोग नहीं बोल सकते थे, पर मम्मी जी तो बोल सकती थी ना। आफ्टर ऑल उनकी बहू पर किसी ने ताना मारा है, बट नहीं, उन्होंने टिपिकली वही किया जो मैं आज तक सासों के बारे में सुनती आई हूँ, बहू की बेइज्जती को एंजॉय कर। ऐसा नहीं है बाबा, और तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसा सोच रही हो। मम्मी को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे आज हमारी वागरात है ना, फिर क्यों ऐसी बातें करके मजा किरकिरा कर रही हो? और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा कर लेता हूँ। बज चुके हैं और महारानी अब तक उठी नहीं है, जा जाकर दरवाजा पी। क्या मम्मी तुम भी, रहने दो ना। अरे क्या रहने दो, अगर इस तरह मैंने अपनी पकड़ को ढीली कर दी ना तो कल को ये मेरे सर पे आके बैठेगी, समझी? जा। अरे हमें क्यों फंसा रही हो? जा कहा ना मैंने, जा रहे हैं। प्रिया प्रिया प्रिया, 8 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या प्रिया? अरे मम्मी बुला रही हैं। प्रिया जिस घर की बहू 8-8 बजे तक सोती रहेगी
उस घर में लक्ष्मी माँ भूले से भी नहीं आएगी। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? हर किसी का सोने का और जागने का टाइम अलग अलग होता है। मैं रात को देर से सोती हूँ इसलिए सुबह नींद भी देर से खुलती है। तो अपनी ये गंदी आदत बदल दो। और हाँ, शाम को मैंने बहू के रसोई की रस्म रखी है जिसमें मैंने सरिता और कुछ जानने वाले लोगों को खाने पे बुलाया है। खाना अच्छा बनाना, बस उसमें 3-4 सब्जियां होगी और मीठा कुछ अच्छा होना जरूरी है। और एक बार शाम को साड़ी जरूर पहन। खाना अच्छा बनाना, बस उसमें 3-4 सब्जियां होगी और मीठा कुछ अच्छा होना जरूरी है। भैया भैया क्या हुआ? संदीप मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि मुझे किचन का काम बिल्कुल नहीं आता है। तुम्हारी मम्मी चाहती है कि मैं तरह तरह के डिशेस बनाऊं, मैंने तो कभी चाय मम्मी सुन लेगी। प्रिया तुम इतना पैनिक मत हो, रस्म वाली बात है, जो तुम बना सकती हो वो बना लेना। मुझसे नहीं होगा ये सब। प्रिया प्लीज मेरे लिए। ठीक है आज कर देती हूँ लेकिन कल से मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। आना तैयार हो गया? अरे ये तो जल गई। ये भी जली हुई है यार, ये तो सारी जली हुई है। कोफ्ते भी जल गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि खाना वाना मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। वो सब तो ठीक है पर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले, उनको क्या खिलाएंगे? एक काम करें, ये सारी खाने वाली आइटम्स तुम बाहर से ले आओ, मैं अच्छे से परोस के दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से? अरे प्रिया वो तुमने जो मटर पनीर बनाया था वो तो लेकर आओ। हाँ हाँ अभी लाई। क्यों संगीता बेटा, जमाई बाबू नजर नहीं आ रहे? अरे आंटी वो उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया इसलिए तो वो शादी में भी नहीं आए। खैर आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि खाना कैसा बना है। अरे खाना तो लाजवाब बना है, खाने वाले का पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपकी बहू के हाथ में तो जादू है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, बहुत ही भाग्यशाली हो आप तो। पुष्पा तेरी बहू तो तेरे से 2 कदम आगे निकली। दीदी खाना तो बहुत ही बढ़िया था, बस अब हम सबको इजाजत दीजिए। अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हैं, अभी तो स्पेशल आइटम आना बाकी है। पुष्पा अपनी स्पेशल सौंप लेके आना तो। चलो आओ बैठते। बैठो बैठो, घर जाके भी क्या करोगे तुम लोग। पुष्पा तेरी बहू तो तेरे से 2 कदम आगे निकली। संदीप तूने बहू के रसम का खाना होटल से मंगवाया? मम्मी क्या कर रहे हो, बाद में बात करते हैं। अरे बाद में क्या बात करेगा तू मुझसे,
इसकी बचाव में कसीदे पड़ेगा। एक तो इस संस्कारहीन लड़की को मेरे मर्जी के खिलाफ तू इस घर में ब्याह कर ले आया, और अब उसके साथ मिलकर इतनी पवित्र रस्म को तूने धज्जियां उड़ा दी। मेरा तो नसीब ही खोटा है कि ऐसी निकम्मी और नकारा औरत इस घर की बहू बन गई है। पुष्पा, ऐसी निकम्मी लड़कियां अपने पतियों पे मोहिनी मंत्र मारना अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो कैसे पीछे पीछे भाग गया ये संदीप उसकी। चलो सब, हो गई रस्में, हो गया खाना, चलिए आओ। क्या हो गया अगर मैंने बाहर से खाना मंगवा भी लिया तो? कौन सी बड़ी बात थी? और अगर गलत था भी तो गेस्ट के जाने के बाद भी तो बात हो सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुम्हारी मम्मी को मेरा तमाशा बनाना था सबके सामने। सच तो ये है कि तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद ही नहीं करती है। प्रिया, प्रिया इधर तो घूमो, मेरी बात सुनो। प्रिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस थोड़ी सिक्त है रीति रिवाजों को लेकर, और इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। प्लीज जस्टिफाई मत करो। प्रिया मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत किया, उसके लिए मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन प्रिया उसके साथ साथ मैं तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस खूबसूरती से तुमने अपनी स्टेप मम्मी को अपनाया है, उनको एडजस्ट किया है, वैसे ही तुम मेरी मम्मी को भी अपनाओ। प्रिया स्माइल भी कर दो मेरे लिए। ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा बेटा। अरे इंसान में कोई तो खूबी होनी चाहिए ना कि जिसकी वजह से वो किसी से जुड़े, और आज जो कुछ भी हुआ ना बेटा उसके जिम्मेदार तुम हो। तेरी गलती नहीं है क्योंकि तूने ऐसी लड़की के साथ शादी की कि जिसे खाना तक बनाने नहीं आता। अरे यार बस करो, मैं थक गया हूँ ये सब सुन सुन के। मुझे बीवी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं जो घर का काम करे, खाना बनाए। और आप ना ये अपनी सोच बदलो, जरूरी नहीं है कोई लड़की बहू बन जाए तो उसे सब काम आना चाहिए। एक मिनट, तू तो कहना क्या चाहता है कि अभी भी मम्मी खाना बनाएगी और घर के बाकी सारे काम भी मम्मी करेगी? नहीं दीदी, मम्मी कुछ नहीं करेंगी, मैं कल से नौकरानी रख रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस घर के चूल्हे चौके में इस घर की महिलाओं के सिवा और किसी ने हाथ नहीं लगाया, और आगे भी ऐसे ही होगा। हाँ अगर तुम्हारी बीवी को अपने पैरों में तेल लगाकर आराम ही करना है ना तो भले ही करे, मैं अभी भी सब कुछ कर सकती हूँ। अरे यार कोई नहीं समझा सकता आप लोगों को। अरे यार मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ बिजी थी? कुछ नहीं, अपने लिए जॉब सर्च कर रही थी। ये क्या है? ये कोरियर है, हम दोनों के नाम का था तो मैंने सोचा साथ खोलते हैं। क्या है इसमें? आप अभी देख लेते हैं। यार ये तो हनीमून पैकेज है, तो वो भी एयर टिकट्स के साथ। क्या ये तो गोवा का हनीमून पैकेज है, वो भी एक हफ्ते का। मेरी मॉम ने दिया है, सरप्राइज है उनकी तरफ से। सच में मजा आ गया, मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। गोवा जाएंगे, इतना मजा आएगा ना। मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ। हाय बेबी। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। सच में अब सच में मेरी मम्मी नहीं मेरी फ्रेंड हो, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया, थैंक यू सो मच। अरे बेबी तो फॉर्मल भी मत हो यार, ये सरप्राइज तो बनता ही था मेरी तरफ से। एंड आई रियली वांट कि तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। वैसे भी मैं जानती हूँ कि संदीप के घर के माहौल ने तुम दोनों को बांध के रखा होगा ना। क्या बताऊँ मम्मी, यहाँ बहुत कड़ा शासन है। अच्छा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ,
बाय, टेक केयर बेबी। क्या बात है, क्या हुआ? अब मम्मी, वो प्रिया की मम्मी ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है, कल ही गोवा के लिए निकलना है। कल? तुम लोग कल कैसे जा सकते हो? क्यों? हर बार की तरह तुम्हें इस घर के रस्मों रिवाजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। इस घर के दुल्हा दुल्हन 21 दिन पूरे होने तक कहीं बाहर नहीं जा सकते, और अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। पर मम्मी, ये सब पुराने रीति रिवाज है, अब ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्योंकि मैं पुरानी हूँ इसीलिए पुरानी बातें करती हूँ। मेरी सास ने जो मुझे सिखाया वो तुम्हें करना पड़ेगा। पर मम्मी, ये जबरदस्ती हुई ना, सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। तुम्हें जो चाहे समझना है समझो, कल कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझे? मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन मैं गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं करने वाली, तुम ही संभालो सब, मुझे नहीं पता। 21 दिन तक इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, बस कह दिया ना सो कह दिया। मम्मी क्यों ऐसा कर रही हो, प्लीज मान जाओ ना। मम्मी देखो, ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है और अब तो टिकट्स भी वापस नहीं होंगे, और प्रिया भी बहुत एक्साइटेड है हनीमून के लिए। तुम्हारी एक हां से उसके दिल में जो भी गलत फहमी है सब दूर हो जाएंगे, और इससे तुम दोनों को पास आने का मौका मिलेगा। मुझे बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी के गलत फहमियों को दूर करने के लिए मैं अपने पुराने रस्मों रिवाजों को नहीं तोड़ सकती। नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, बस। मम्मी फिर आप ऐसा करके इस घर में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं। अच्छा, तो अब मैं इस घर में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हूँ, तो ठीक है, पूछते क्यों हो मुझसे? तुम्हें और तुम्हारी बीवी के मन में जो आए ना वो करो, बस। खुश रहो, जीते रहो। मम्मी हम लोग चलते हैं। संभल के जाना। चले तेरी नाराजगी, और इतना रोकने के बावजूद भी तेरी बहू तेरे बेटे को उड़ा ले गई। पुष्पा अपनी पकड़ मजबूत कर, वरना मेरी तरह तेरा बेटा भी अपनी बीवी के बहकावे में आकर कहीं तुझे हमेशा के लिए छोड़ के उड़ ना जाए। उड़ने दो उसे थोड़ा बहुत, पर जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सके। चल देखते हैं। फिर आगे का क्या प्लान है? होटल चलेंगे, रोमांस करेंगे, और क्या? हम गोवा आए हैं, कमरों में रोमांस करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। ठीक है, फिर तुम ही बता दो। वैसे भी तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ चुकी हो ना? हाँ, आई हूँ ना फ्रेंड्स के साथ। तो सुनो, हम सबसे पहले डीटू स्ट्रीट चलेंगे, फिर हम बागा बीच चलेंगे। अब सुनो ना, बागा बीच चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। किसका कॉल आ गया यार? मम्मी का। अब इनको क्या हो गया यार? चलो बाद में उठा। एक मिनट प्रिया, बात करना। सुनो ना। हाँ मम्मी। संदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तेरी याद आ रही थी, सोचा तुझसे बात करूं। अच्छा मुझे बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? चलो ना यार। हाँ मम्मी, मैं आपको ना फुर्सत में कॉल करता हूँ। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है मम्मी, ओके। अब अरे चल रहे हैं बाबा, तुम कितनी एक्साइटेड हो। एक मिनट, आराम से। लेट हो जाएंगे। आओ 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 बैठ।
क्या हुआ? संदीप ने तेरे हाँ ना बोलने से पहले ही फोन काट दिया? देख पुष्पा, तू मान या ना मान, लेकिन तेरी इज्जत अब संदीप के नजर में धीरे धीरे कम होती जा रही है। संदीप की जिंदगी में प्रिया के आने के बाद पुष्पा के दिल में असुरक्षा की भावना घर कर गई। प्रिया के आधुनिक तौर तरीके और संदीप द्वारा उसका बचाव, इस वजह से अब पुष्पा को इस बात का एहसास होने लगा कि प्रिया उसके बेटे को उसे दूर ले जा रही है। खैर, सच बात तो ये है कि पुष्पा अपने पुराने तौर तरीके जबरदस्ती प्रिया पर थोपने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच इस रिश्ते में एक ऐसी खाई बन गई थी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन ये बात इतनी तेजी से नहीं बढ़ती अगर सरिता पुष्पा के अंदर जो असुरक्षा की भावना घर कर गई थी उसे निरंतर हवा देने की कोशिश नहीं करती। अब जब पुष्पा के अंदर असुरक्षा की भावना घर कर ही गई, ये बहुत उतल पुतल मचाने वाली थी। क्या है? पार्सल। किसका? जी प्रिया जी। मम्मी जी, अरे मेरा पार्सल आ गया क्या? क्या देख रहे हो? तो जाओ। प्रिया, प्रिया तुम्हें जरा भी तमीज नहीं? ये ऐसे कपड़े पहने हैं, दरवाजे पर अगर आना ही था तो चुन्नी ओढ़कर आती ना। और ये क्या, आए दिन तुम्हारे रोज नए नए पार्सल आ रहे हैं। मैंने तो कभी अपने सास को पूछे बगैर एक पिन भी नहीं खरीदी थी। मम्मी जी, आप हमेशा झगड़े के मूड में क्यों रहती हैं? और जो मर्जी मंगवाऊं मैं अपने पैसों से मंगवा रही हूँ, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे कौन से पैसे हैं? ये तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी? मम्मी जी, संदीप मेरे पति हैं और पति की कमाई पर पत्नी का पूरा पूरा हक होता है। प्रिया, रुक जाओ प्रिया। नो सर, मैंने कहीं जॉब तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने इंटर्नशिप की है और वहाँ पर सब मेरे काम से बहुत खुश थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। बट बाद में मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी थी तो मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाई। तुम्हें पता है हमारे संगीता की जो सास है ना, एक नंबर की चैप्टर औरत है। अरे उसे तो बिचारी को सुबह से लेके शाम तक एक पैर पे दौड़ाती रहती है। होती है कोई औरत ऐसी भी खड़ूस। वैसे ये तेरी बहू अभी तक फ्री नहीं हुई क्या? इतनी पालक तोड़ दी, इतनी सब्जियां काट ली, एक बार भी आके उसने चाय के लिए नहीं पूछा। और अगर तुझे याद हो तो ये तेरी बहू है ना, बिल्कुल मेरे बहू के नक्शे कदम पर चल रही है और उससे भी दो कदम आगे ही है। Yes sir, I assure you कि मैं आपको और आपकी कंपनी को बिल्कुल भी निराश ना करूं। प्रिया, प्रिया ये सब छोड़ो और मेरे और सरिता के लिए दो कप चाय बनाओ। आप चलिए मम्मी, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अरे जिससे भी बात करी है ना, उनसे कहना कि तुम बाद में बात करोगी, पहले हमारे लिए चाय बना दो, समझी? सॉरी सर, वो मेरी मदर इन लॉ आ गई थी। ओह इट्स ओके ओके, बाकी का मेल पे हम आपको रिप्लाई करते हैं। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। आ गई महारानी। पुष्पा, तेरे घर में बिस्कुट या नमकीन कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? अरे है ना बहू, कभी कभार चाय के साथ बिस्कुट वगैरह भी दे दिया करो। आंटी जी, खाली टाइम पे यहाँ आके चाय पीना और मम्मी जी के कान भरने के अलावा किसी सत्संग वगैरह में जाया कीजिए, थोड़ी सा बुद्धि मिलेगी आपको। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है, माफी मांगो इससे। मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या गलत कहा है? जो भी कहा है सही कहा है, चुगली तो करती है ये। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रखा है?
साल हो गया मेरा इस घर में, मेरे अपने घर वालों से बात करना इनको हजम नहीं होता है, मेरी नौकरी ढूंढने से इनको प्रॉब्लम है, आज तो हद कर दी इन्होंने, चलते इंटरव्यू में आ गई। क्यों? क्योंकि इनको और इनकी दोस्त को चाय की तलब लगी हुई थी। चुप हो जा, एकदम चुप। देखा तूने कितनी इज्जत से बात कर रही है? अरे यही बेइज्जती दिखाने के लिए क्या तू इसे इस घर की बहू बना के ले आया? अरे बस करो दोनों, थक गया हूं मैं। ना तुम इस सिचुएशन और मेरी मम्मी को अडॉप्ट करने को तैयार हो और ना आप इसको अपनाने को तैयार हो, तुम दोनों के बीच पिस कर रह गए हो मैं। अरे कम से कम मेरी खुशी का तो ख्याल कर लेते, मेरे लिए तो एक हो जाते। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है अभी खा लूं। भुक्कड़ हो क्या? भगवान का भोग है, इस तरह से उसे नहीं सुनते, समझे? मम्मी जी को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं तो बस उसे सुनने के लिए। वो भी नहीं करना चाहिए जब तक भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता। पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी। क्या बात है विमला? मैं मिठाई लेकर आई हूँ, मेरे घर पोते का जन्म हुआ है, लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, तुम तो भाग्यवान है। धन्यवाद दीदी। अरे अब तो आपके बेटे की भी शादी हो गई है, आप भी जल्दी से दादी बन जाएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, मुझे सरिता दीदी के यहाँ भी जाना है, उनके यहाँ भी मिठाई बांटनी है। ठीक। मुझे ना इस घर में एक बच्चा चाहिए। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी मम्मी जी, अभी तो हम दोनों ही बच्चों जैसे हैं। तुम दोनों 28-30 साल के हो गए हो और इस उम्र में मैंने दो बच्चे पैदा किए थे। मम्मी जी, आपका जमाना अलग था, उस टाइम पे औरतों को सिर्फ शादी करना और बच्चे पैदा करना यही काम रहता था, पर अब सब कुछ बदल चुका है, लड़कियां करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, इतनी जल्दी बच्चे नहीं करती हैं। और वैसे भी मम्मी जी, ये हमारा आपसी मामला है। क्या? ये तुम दोनों का आपसी मामला है? यानी मेरा इस बच्चे के साथ कोई लेना देना नहीं है? मम्मी, इसके कहने का वो मतलब नहीं था। तू मुझे मतलब समझाने की कोई कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ कि आजकल तुझे कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है। मम्मी जी, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ जो पाठ पढ़ाऊंगी, और आप इस तरह से इल्जाम क्यों लगा रही हैं मुझ पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि सच कह रही हूँ, और ये सच तुझे मिर्ची की तरह लग रही है। मुझे कोई मिर्ची मिर्ची नहीं लग रही है, बल्कि आपको मेरी हर बात से प्रॉब्लम होती है, आपको मेरी हर बात पे मिर्ची लगती है। चुप! बंद करो तमाशा, तंग आ गया मैं तुम दोनों की लड़ाई से। संदीप रुको। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक? मुझे नहीं, तुझे मिल गई होगी, मेरे बेटे का खून देखकर। अब तो तुझे यकीन हो रहा है ना पुष्पा कि तेरी बहू कितनी शातिर है, जो राज करना चाहती है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बेटे पे और तुम पे भी। जहां तक मैंने गौर किया है,
तेरा बेटा उसके काले जादू में फंस चुका है और वो धीरे धीरे तेरी पकड़ से छूटता चला जा रहा है। समय रहते कुछ कर पुष्पा, वरना तेरी दुर्गति मुझसे भी ज्यादा बुरी होने वाली है। पुष्पा और प्रिया आग और पानी जैसी जोड़ी थी, जिसमें आपस में बैर होना ठीक है, लेकिन बावजूद इसके संदीप इन दोनों को मिलाकर एक ही छत के नीचे एक खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देख रहा था, क्योंकि इन दोनों के बीच वो ही एक ऐसी कड़ी था जिससे ये दोनों महिलाएं बेहद प्यार करती थी। अपनी माँ पर और अपनी पत्नी पर उसे भरोसा था कि ये दोनों एक दूसरे को समझेंगे और अपनाएंगे भी। हालांकि संदीप आग और पानी जैसी सास बहू की जोड़ी को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये जाने बगैर कि आगे चलकर इस रिश्ते में एक अकल्पनीय मुकाम आने वाला था। कैसा लगा? बढ़िया है ना? एकदम जबरदस्त। अगर ऐसा खाना हफ्ते में एक बार मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। आज का डिनर मैंने संदीप के लिए प्लान किया है। संदीप की जॉब के बारे में कुछ बात करनी है। जी पापा बोलिए। दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, वो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता है। नहीं पापा मैं यही ठीक हूँ। बेटा पूरी बात तो सुनो, वो तुम्हें सेल्स मैनेजर नहीं सीनियर सेल्स मैनेजर बनाना चाहता है और सैलरी 3 गुना ज्यादा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां जाकर मेरे लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली। तो क्या बोलते हो बेटा, दिल्ली जाओगे? हाँ। तुम कहीं नहीं जाओगे संदीप। कैसी माँ है आपसे अपने ही बेटे की तरक्की देखी नहीं जा रही? प्रिया तुम 2 मिनट के लिए चुप रहोगी? देखो मम्मी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, सब कुछ सेट है। मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहती। संदीप या किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये कुछ नहीं समझेंगी, और वैसे भी ये हमारे फ्यूचर की बात है तो आखिरी फैसला भी हम ही करेंगे ना। प्रिया रुक जाओ यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो मम्मी, आने वाले वक्त में इतने पैसों से गुजारा नहीं हो पाएगा और उस नौकरी से हमारी लाइफ बदल जाएगी। प्लीज मना मत करना। और ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको यहीं अकेला छोड़ दूंगा, सब कुछ सेटल होने के बाद मैं खुद लेने आऊंगा आपको। तुम शुरुआत से यही चाहती थी ना कि मुझे मेरे बेटे से अलग करे। बोलो, हो गया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां चाहे उसे ले जा सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, ना ही तुम्हें रोकूंगी। मम्मी, मेरा बेटा भी मुझे महीने दो महीने में अपने साथ लेके जाने वाला था, आज पूरे 5 साल हो गए। बुलाना तो दूर, 2-2 महीने तक फोन पर बातचीत भी नहीं होती है हम दोनों। तेरी बहू तेरे बेटे को ले उड़ी रे पुष्पा, तू पौधे लगा बस। हाँ, तेरी बहू चाय बड़ी अच्छी बनाती है। क्या बात है यार, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मन कर रहा है इन्हें चूम लूं। मम्मी वो कहाँ से? मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उनकी तो रोज की आदत है, और वैसे भी इस उम्र में तो ये सब होता रहता है, उनके चक्कर में अपना रोमांटिक मोमेंट क्यों खराब कर? अच्छा मैं देखता हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ, तुम बस। तेरी इज्जत अब संदीप के नजर में धीरे धीरे कम होती जा रही है। अपनी पकड़ मजबूत कर,
वरना मेरी तरह तेरा बेटा भी अपनी बीवी के बहकावे में आकर कहीं तुझे हमेशा के लिए छोड़ के उड़ ना जाए। नहीं, मैं अपने बेटे को कहीं जाने नहीं दूंगी। प्रिया, प्रिया, मेरा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा, यही नौकरी करेगा, भले उसे कितने भी पैसे मिले। मम्मी जी, आप फिशर हो गई, आपको समझ में नहीं आता ये हमारे फ्यूचर की बात है। अरे मैं सब कुछ समझती हूँ, ये सब बोल बोल कर ही तुमने उसे बहकाया है, इसीलिए आज उसे माँ तक नजर नहीं आ रही है। बस ये कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कर रही है मम्मी जी आप? मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। ये बैग क्यों लेकर जा रही है? ये सब क्या है? आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपका बेटा बैल बुद्धि है, इसे कोई भी बहका सकता है? हाँ हाँ, बहकाया जा सकता है। तुम और तुम्हारे माँ बाप उन लोगों के साथ मिलकर तुमने साजिश रखी है कि मुझे और मेरे बेटे को अलग करे। बस बस कीजिए मम्मी जी, जो भी हो जाए मेरे मम्मी पापा को बीच में मत लाना, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी? हाँ, मुझे मारेगी पीटेगी। अगर मारने वाली होती ना तो आज आपकी इतनी जुबान नहीं खुल रही होती। हाँ, यही तो गलती हो गई है। अगर समय रहते मैंने उस पर गौर किया होता ना तो तुम्हारे पीछे इस तरह से पागल नहीं होता। क्या मतलब है आपका कि मैंने आपके बेटे को फंसाया है? हाँ हाँ, तूने फंसाया है। मैंने नहीं फंसाया उसे, उल्टा हुआ, मेरे प्यार में पागल था। फंस तो मैं गई हूँ जो इस घर में शादी करके आई, जो आप जैसी खड़ूस सास मिली जिसके दिमाग की हालत इतनी खराब है, जिसको कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, मेरी दिमाग की हालत खराब है? मेरी दिमाग की हालत खराब है? अब दिखा दियो तुझे मैं। क्या कर रही हो तू मुझे? छोड़िए, पागल हो रहा है। पागल हूँ मैं ना? पागल हूँ ना, इसके लिए ना पागल। मेरी दिमाग की हालत खराब है? पागल लग रही हूँ मैं तुझे? आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, पागल है आप बिल्कुल। संदीप आएंगे सब बताऊंगी उनको, हट के, पागल है आप। तेरा बेटा उसके काले जादू में फंस चुका है। तेरी बहू तेरे बेटे को ले उड़े पुष्पा, धक्का मारती है। ही मारा अपनी बहू को, अक्सर इंसान के अंदर द्वंद पैदा करती है। द्वंद यानी मानसिक संघर्ष, जो किसी इंसान के लिए शारीरिक संघर्ष से भी कठिन होते हैं, जिसके परिणाम कभी-कभी बेहद खतरनाक भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पुष्पा और प्रिया के साथ, और अंततः प्रिया की जान चली गई। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।